इन द पास्ट फ्यू ईयर्स आई स्टार्टेड लर्निंग सो मैनी थिंग्स एंड उसमें जो सबसे टॉप में जो मुझे पसंद है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी. सो आफ्टर 12th, बिकॉज मेरे इतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे तो मैं खुद से ही बातें किया करता था. अब कोई मुझे उस टाइम देख लेता था, पागल आदमी कहाँ अपने आप से ही बात कर रहा है. बट आई बिलीव दैट रियली ब्रिंग सो मैनी चेंजेस इन माई लाइफ एंड वहीं से मैंने थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना स्टार्ट किया. और बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं एक अनसर्टिफाइड काउंसलर भी था. मैंने बहुत लोगों को काउंसलिंग भी की है, कुछ फेल भी हुए हैं, कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पर भी फेल हुए हैं और कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पर भी कैसे सक्सेसफुल हुए हैं. मुझे नहीं लगता कि इंडिया में काउंसलिंग जैसी चीज़ों का कल्चर बहुत ज़्यादा है. मान लीजिए आपको किसी बात से डिप्रेशन है तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मुझे किसी काउंसलर से मिलना चाहिए. मुझे नहीं पता कि ये काउंसलर होते कहाँ हैं, कौन सा डॉक्टर है ऐसा जो काउंसलिंग करता है. तो आई स्टिल बिलीव कि ये हमारे ये या तो आप कह सकते हैं ये आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन जिस स्टेट से मैं आता हूँ वहाँ मुझे नहीं लगता कि काउंसलर जैसा कुछ होता है. अगर आप किसी साथ भी बात भी शेयर करेंगे तो वो एक ही आपको रिप्लाई देता है कि यार क्या सोचता रहता है, क्या मेहनत करो ये. बट वेन यू शेयर योर थाट्स विद समवन यू एक्सपेक्ट दैट कि वो कुछ ऐसी बात बोले जिससे आपको थोड़ा तो ठीक फील हो. दैट्स वाई आई डोंट थिंक सो कि आप अपने हर दोस्त को उस काबिल समझते हो कि आप उससे अपनी हर बात को शेयर कर सको. कभी इस बात पे सोचना ज़रूर. आज का जो पॉडकास्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई रिकमेंड यू टू यूज़ हेडफोन, ईयरफोन, नेक बैंड जो भी आपके पास है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस एपिसोड. हाई गाइज, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लेट ब्लूमर पॉडकास्ट एंड एक्चुअली इट्स एपिसोड नंबर 7. आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और एक स्पेशल केस स्टडी के ऊपर है. तो मेक श्योर यू यूज़ हेडफोन, ईयरफोन और आई थिंक यू हैव एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है 2020 से, व्हेन आई बिलीव फर्स्ट लॉकडाउन उसी टाइम लगा था एंड दैट टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग क्लब हाउस. अब क्लब हाउस अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे आपको बहुत ज़्यादा सही लगेगा, लेकिन बाद में आपको थोड़ा वो इरिटेट करने लग जाता है. तो मैं कुछ पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ था बिकॉज मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है. आई मेट अ गर्ल देयर एंड शी इज़ फ्रॉम मुंबई. तो बातें हुई वहाँ से और बैक चैनल मैंने उसे किया, तो हमारी जो कॉन्वर्जेशन है वो क्लब हाउस से बाहर अदर सोशल मीडिया तक गई एंड मैं धीरे धीरे उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया. अच्छा, मेरी जो एक सबसे अच्छी बात भी और ख़राब बात भी है कि मुझे नहीं पता कि लोग अपने डार्क सीक्रेट्स मेरे साथ क्यों शेयर कर देते हैं. या तो मैं ज़्यादा ही भरोसेमंद दिखता हूँ, शक्ल से ना दिखता हूँ, लेकिन हाँ बातों से मैं बहुत ज़्यादा भरोसेमंद दिखता हूँ. मतलब हूँ मैं, ऐसे बात नहीं, लेकिन हाँ ये मैंने नोटिस किया कि पीपल यूज टू शेयर देयर डार्क सीक्रेट्स विद मी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. आई डोंट थिंक सो दे कैन शेयर दैट विद एनीवन जिसको शायद वो जानते भी ना हो. बट ठीक है, यहाँ तक बात थी. तो जैसे जैसे हमारी कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती गई, आई रियलाइज दैट कि इस लड़की की ना ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी है. दैट मीन्स कि अगर मैं उसे कुछ बोल दूँ कि यार ये वाला तो ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था आप पे, तो वो शायद सोचते रहे और फिर वो ना बहुत ज़्यादा उस लूप में फंस जाती है. तो वो बहुत ओवरथिंक करती थी, तो मुझे वो बात रियलाइज़ हुई. देन शी टोल्ड मी हर स्टोरी कि प्रीवियसली उसका कुछ ब्रेकअप टाइप का कुछ हुआ था, पास एक दो साल हो चुका है, तो वो तब से उसमें ट्रॉमा में थी कि बहुत सीरियस वाला था. तो वो मेडिसिंस भी ले रही थी लेकिन चीज़ें उसके फेवर में नहीं जा रही थी. तो वो कुछ काउंसलर्स के टच में भी थी, वो योगा भी कर रही थी, बट चीज़ें हो नहीं रही थी. बट धीरे धीरे जितने मेरी बात हुई, आई रियलाइज दैट कि ना उसकी थोड़ी सी मुझे सुसाइडल टेंडेंसी लग रही थी. नाउ अब क्योंकि मैं थोड़ा काउंसलर लेवल पे भी आ गया था, तो मैं ना इस एक टेंडेंसी को ना 3 लेवल पे डिवाइड करता हूँ. सीरीज मैं कहता हूँ उसको डिग्री ए, डिग्री बी और डिग्री सी. मैं डिग्री ए के केस कभी नहीं लेता हूँ. डिग्री ए के केस वो होते हैं कि जिनमें ना वो इतने मतलब वो ना आपको इसलिए कॉन्टैक्ट करेंगे कि अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो उनकी लाइफ में चमत्कार आ गया तो ठीक है, अगर आप फेल हुए देन वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देंगे. और इसका एक प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में दूंगा, विच इज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी, अगेन मतलब हॉरेबल थिंग फॉर मी. बट मेरे को ये थोड़ा बी और सी का केस लगा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है. सो शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हर एक्सपीरियंस अबाउट रिलेशनशिप्स और भी चीज़ें जो उसकी लाइफ में हुई है. एंड आई नोटिस दैट कि ना इसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है. दैट मीन्स कि इन फ्यूचर ये कभी ना कभी कुछ गलत कर सकती है. कुछ दिन बात हुई और सडनली वो गायब हो गई एंड 2 वीक्स लेटर आई कम टू नो दैट कि उसने पता नहीं ओवरडोज कर दिया था किसी दवाई का.
अब चलो गलती से भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन शी सेड दैट कि यार मैं ना बहुत अनअवॉइडेबल हो चुके थे थॉट्स, पता नहीं दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था और मैंने बस खा ली। मैंने कहा यार ये तो फिर रिस्की है, ऊपर से मैं ही बात कर रहा हूँ तो कल कुछ हो गया तो वही सबसे पहले भाई आपने बताया क्यों नहीं, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये चीज़ तो गलत है। एंड दैट टाइम आई एम वर्किंग ऑन वन कॉन्सेप्ट, उससे पहले मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट लिख चुका था, मतलब थियोरेटिकली लिख चुका था। दैट टाइम आई एम वर्किंग ऑन वन कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ द ब्लैक मैजिक ऑफ मास्टरबेशन। नाउ मास्टरबेशन इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच आई डोंट थिंक सो कि स्कूल टाइम में भी हमें बताया जाता है, स्कूल टाइम पे भी रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आई डोंट थिंक सो कि मास्टरबेशन को इंक्लूड किया जाता है, और मास्टरबेशन की तो जितनी बात की जाए वो अलग है, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज है। आई डोंट थिंक सो कि जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं चाहे वो मेल हो फीमेल हो उनने कभी ना कभी मास्टरबेशन नहीं किया होगा। एंड यहाँ पे ना दो पक्ष होते हैं, द वन इज लाइक छी एंड द सेकेंड वन इज लाइक हु आर इन द सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि बस अब क्या बोलूँ मैं, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि लाइक हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोज इसके ये हैं कि ये आपको एनर्जी रिलीज करता है नेगेटिव वाली और आपको हेल्दी भी रखता है, ऐसा है। और कुछ प्रोस्टेट कैंसर करके कुछ होता है जिसके चांसेस कम होते हैं जो लोग मास्टरबेट करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है बस, और ये भी कंफर्म नहीं है आई बिलीव कि इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। ओवर मास्टरबेशन के कुछ ऐसे सच कुछ साइंटिफिक जो है वो अभी एविडेंसेस नहीं आए कि ड्रॉबैक हो सकते हैं, शायद इसके ऊपर रिसर्च का और टाइम लगेगा, बट ये यहाँ पर टॉपिक नहीं है। सो कुछ टाइम बाद मैंने उसको कहा कि यू नीड टू स्टार्ट मास्टरबेटिंग, और लड़की को बोलना तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता ही है, बट मैंने कह दिया कि जब भी आपको लगे कि थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल यू जस्ट डू मास्टरबेशन, दैट्स इट। और वो वहीं पे ख़त्म हुई बात, मैंने शायद लास्ट मैसेज यहीं भेजा होगा और उसके बाद दो हफ्ते हो चुके थे कि मैसेज नहीं आया, एंड दो हफ्ते बाद अगेन सडनली आई गॉट हर मैसेज एंड शी सेड कि इट वर्क्ड, एंड आई लाइक ओके क्या बात है, मतलब क्या पैचअप हो गया क्या। नहीं, उसने कहा कि या आई ट्राइड दैट एंड इट रियली वर्क टू मी एंड इट सेव्स लाइफ, एंड आई लाइक ठीक है ये भी अच्छी बात है। देन आई थॉट दैट कि ये चीज़ ना आगे जाके मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करेगी उसके लिए, बट इट इवेंचुअली टर्नड आउट एज अ ब्लेसिंग फॉर हर। सो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया उसके बाद से, एंड उसने कहा कि हाँ जब भी मेरे थॉट्स वैसे ख़राब आते, इट्स नॉट मीन्स कि कोई दोपहर में आ रहे तो शी विल डू इट इन द आफ्टरनून, बट इट्स लाइक कि हाँ इट सेव हर लाइफ, मैं ये कह सकता हूँ इन वन लाइन इट सेव हर लाइफ। सो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो हिट एंड ट्रायल वाली बात हो सकती है कि एक जगह काम चल गया है और शायद दूसरी जगह ना चलता। तो आई रियलाइज दैट कि एक स्टोरी थी कि मेरे जानने में कुछ मेरे रिलेटिव थे जो नॉट मेरे रिलेटिव बट मेरे जानने में मान लीजिए कि जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था, और वो भी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 4 to 5 के अराउंड थे, और जब वो उठे तो उनकी वाइफ ने उनको देख भी लिया था कि ही इज़ गोइंग आउट, और उसने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ, और इन द मेन टाइम उसने पेड़ से लटका के एंड ही कमिटेड सुसाइड। एंड जब मैंने ये बात सुनी मैंने लगा कि यार यहाँ पे जो चीज़ सोचने की है कि यार अगर बंदा सुबह 5 बजे ऐसा कर रहा है 4 बजे ऐसा कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो रात भर कितना लड़ा होगा खुद से यार, मतलब वो रात भर सोया नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहा कि नींद में खुले हो चलो यार अभी तो सुसाइड करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि वो रात भर सोया नहीं था और रात भर वो इसी सोच में था कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन आई बिलीव कि ये बड़ा ही सेंसलेस आर्ग्यूमेंट लग सकता है, लेकिन अगर दैट टाइम ही डिड मास्टरबेशन, मुझे नहीं लगता कि अगर वो बात किसी और को बताता भी अपने दुखों की बात हो तो शायद चीज़ें चेंज होती, आज नहीं तो कल वो चीज़ जरूर करता। द थिंग इज़ कि उसको उस टाइम उस थॉट से रिलीफ चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं किसी के साथ बात शेयर कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि चल सही हो जाएगा सब होगा, मे बी ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस मी कि सब सही होगा, लेकिन उसके गुड नाइट बोलने के बाद शायद मैं वापस उस ट्रिप में चले जाऊँ। तो व्हाट आई बिलीव कि दैट टाइम अगर वो मास्टरबेट कर लेता तो शायद उसके बाद जो भी उसके थॉट्स की एनर्जी होती ना वो रिलीज हो जाती है, और उसके बाद वो आराम से सोता, फिर इन मॉर्निंग जो भी उसके लाइफ के इश्यूज़ थे वो चाहे तो उसको किसी साथ शेयर करके सॉर्ट आउट कर सकता था। मैंने एक बहुत ही एक जनरल ट्रेंड नोटिस किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप खुद अपनी लाइफ में नोटिस कीजिएगा कि जब मॉर्निंग का टाइम होता है ना अराउंड 10-11 के करीब, तो आपने बहुत आपके अंदर ना प्रोग्रेसिव जो है थॉट्स आते हैं कि आज तो फोर डालना है। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं जब सन आपके सर के ऊपर होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो ढलने की तरफ आ रहा होता है, तो 12 से जो 4 का टाइम होता है, ठीक है ना, वो बड़ा ही लेजी पीरियड होता है, क्योंकि सन ना धीरे धीरे ढलता रहता है, और जैसे ही वो ढल जाता है ना तो आपकी बॉडी भी थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में चली जाती है।
अब लफड़ा ये होता है कि अगर आपने उस प्रोग्रेसिव आवर्स में कुछ नहीं किया होगा ना, तो आपको जो रिलैक्सिंग टाइम में है ना, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ आपके लूप में फंस गई, तो फिर आपका थॉट का लूप जो है वो चालू हो जाता है और वहीं से ओवरथिंकिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुतों के साथ इशू है, मेरे साथ भी इशू है, तभी मैं रात को अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है वगैरह। वो इसीलिए लगता है क्योंकि कई बार आपके मतलब थॉट्स फंस जाते हैं। सो ये जो चीज़ थी मैंने बहुत ज़्यादा वेल टेस्टेड और ट्राई की है कि मास्टरबेशन कैन सेव लाइफ, और आपको सही लगे या ना लगे, लेकिन फॉर श्योर ये आपका दिन भी बचाता है और कहीं ना कहीं ये आपका, मेरे हिसाब से तो ये लाइफ सेवर चीज़ है। और अगर मैं काउंसलर होता तो मैं सबसे पहले यही कहता कि अगर आपकी ओवर थिंकिंग का इशू है, तो कभी आपको लगे कि आपका बहुत ही ज़्यादा हाथ से बात जा रही है और आपसे संभाल नहीं रहे हैं वो थॉट्स, और आप किसी को लाइक नहीं समझते हैं कि आप उससे वो बात शेयर करें, सो यू नीड टू डू मास्टरबेशन दैट टाइम, और उसका सोचा चुपचाप से नेक्स्ट दिन ट्राई टू फिगर आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट। अगर फिर आपको लगे कि इससे बात शेयर करनी चाहिए, मेक श्योर कि वो टाइम 12 बजे से पहले का हो, ताकि आप प्रोग्रेसिव स्टेट में ही अपने उस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, एंड मेक श्योर यू डू योर बेस्ट इन योर लाइफ यार। और बस यही था आज का इस पॉडकास्ट में। सो स्टोरी यही थी कि हाउ मास्टरबेशन कैन सेव लाइफ, और अदर देन कि ये आपको एक ना सेल्फ सेक्शुअल प्लेजर दें, इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। और इस टॉपिक को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था, बिकॉज आए दिन ही आप लोग कितनी खबरें सुनते हैं सोसाइटी की, और डिप्रेशन इज़ नाउ मोर कॉमन इन द एज ग्रुप जिसमें मैं हूँ। सो मैं अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता था, जो मैंने सीखा है समझाया, ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके लोगों की लाइफ में। आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट, इफ यू डिड मेक श्योर यू ड्रॉप योर सजेशन, और आपको कैसा लगा। आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कुछ लगता है कि इसके अलावा भी क्या चीज़ें कर सकते हैं। योगा एंड ऑल आई डोंट थिंक सो कि बहुत इंस्टेंटली वर्क करता है। योगा एंड ऑल इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म एम्पायर जो बिल्ड होने में, पहले तो वो करने के लिए ही आपको अंदर से वो नहीं चाहिए कि यार योगा करना पड़ेगा। मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, बट जब आपको बिल्कुल ही ऐसे गर्दन में फंस जाएँ और आपको ये बस समझ ना आए कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर सकती है, दैट टाइम आई बिलीव मास्टरबेशन इज़ द ओनली ऑप्शन विच कैन सेव योर लाइफ। मार्क माई वर्ड्स, आने वाले टाइम पर मैं इसके ऊपर पक्का बहुत कुछ लिखूंगा कि हाउ दिस कैन हेल्प अस टू सेव मोर एंड मोर लाइफ। और ऑलमोस्ट ये सुसाइड का भी एक जो कह सकते हैं कि रेट कम कर सकता है, मेरा तो एटलीस्ट मानना ही है। सो आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट, इफ यू डिड मेक श्योर यू लाइक, ऑल्सो इफ यू हैव एनी सजेशन और कमेंट, सो प्लीज़ उसको आप ड्रॉप कीजिएगा। आई विल सी इन अनदर पॉडकास्ट, मैं आपसे मिलूंगा एक और पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। धन्यवाद।